Hello friends, welcome back to your channel. This is mana and uh, the video is based on RBA assistant mock, oh, not sorry, mock, RBA assistant self given analysis. Okay, so. Uh, वीडियो मतलब अभी एम रेली सॉरी मैं लेट हूँ थोड़ा वीडियो, वीडियो के लिए जस्ट बिकॉज मेरा जो आरबीएस असिस्टेंट का एग्जाम था वो था मेरा वन थर्टी वाली शिफ्ट में ठीक है और उसके बाद में भी शायद शिफ्ट थी उससे पहले भी शिफ्ट थी और अब मैं बताती हूँ कि ओवरऑल एग्जाम का एक्सपीरियंस कैसे रहा जैसे जो लेवल रहता है आर बी एसिस्टेंट का मतलब पिछले साल जो मैंने देखा था इट मे भी आप कह सकते हो कि मेरी प्रैक्टिस बहुत कम थी तो भी मुझे ऐसा लग सकता है और क्योंकि मैंने जस्ट पहले एसके एस के कल और परसों के लिए दो मॉक लगाए थे ओके स्मार्ट क्रीड़ा के ठीक है वो मैंने लगाए हैं उससे ऐसा हुआ कि चलो ठीक है थोड़ा बहुत कवर अप हो जाएगा कि थोड़ा मेंटेन कर लेते हैं तो दो तीन दिन ही मैंने यही दो तीन मौके लगाकर मैं गई थी अब उसके बाद में कि एग्जाम का कैसे लेवल रहा जो भी मैं अगर तीनों की बात करती हूँ इंग्लिश मैथ्स एंड रीजनिंग ओके रीजनिंग मेरे अकॉर्डिंग मेरे लिए सही थी अब आप अपने अकॉर्डिंग देखें क्योंकि मेरे साथ में जो पर्सन बैठे थे मैंने उनको देखा उन्होंने आई थिंक ट्वेंटी कुछ अटैम्प्ट किए थे ओके okay, इवन ऐसा था कि मैं उनकी लास्ट में मेरे पास जो रीजनिंग में थे ना छह मिनट के अराउंड कुछ ऐसा था कि टाइम भी सेव हो गया था बच गया था टाइम सो uh, so, uh, मैं उनका देख... क्योंकि वो उनकी स्क्रीन दिख रही थी ऐसा सीन रहा था तो आई सो और उसके बाद में एक दो और से भी पूछा देन उनका भी थोड़ा से था तो एक होता ना कि लेवल अकॉर्डिंग डिपेंड करते हैं बट अराउंड अराउंड आप आराम से कर सकते थे जो बच्चा काफी प्रैक्टिस में है ना उसके लिए रीजनिंग बहुत ज़्यादा डुएबल थी कुछ भी ऐसा ट्रिकी और हार्ड एंड कुछ था नहीं और मैं नोट डाउन भी करके लाई थी जो जो सॉरी जो, जो जो पजल्स थी जैसे ये वाली एक पजल थी ठीक है जिसमें आप देख सकते हो ये ये वाले पॉइंट्स बने थे मेरे उसके बाद में एक ये वाली पजल थी जिसमें मेरा ये टोटल बना था और एक ये थी सेवन वाली ये फ्लोर वाली थी शायद समथिंग और ये इसमें कोई बाय करते हैं चीजें वन बाय वन तो उसमें ये थी और उसके बाद में एक ब्लड रिलेशन आया था ब्लड रिलेशन में जे सबसे पहले स्टार्टिंग से शुरू हो रहा था और लिख रहा था उसमें कोई उनका सिबलिंग नहीं है जे का और उसकी जो सिस्टर इन लो ब्रदर इन लो है वो बी है ऐसे कुछ करके सीन था तो ऑफकोर्स ब्रदर इन लो तभी होगा ना जब मतलब एफ का कोई सिब्लिंग नहीं था तो एफ का सिब्लिंग नहीं था तो जे का ब्रदर इन लो यही बन सकता है कि उसके जो सिस्टर होगी कोई और वो मैरिड हो इस तरह से ऐसा था एक वर्ड था एस्पायरिंग जिसमें आपको बताना था वर्ड्स कितने मतलब अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट अपने आपके मैच कर रहे हैं एक वर्ड आया था कॉशियस इसमें क्या था कि आपको फर्स्ट सेकेंड सिक्स सेवन्थ जैसे सी ए और कौन सा हो गया तीन तीन छे ओ और यू इससे कौ, कितने वर्ड बन सकते हैं कौन सा वर्ड होगा तो ये वाला क्वेश्चन मैंने लीव किया ठीक है ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं किया सो इन रीजनिंग रीजनिंग आई यू कैन से दैट ओके में ये वाला एक क्वेश्चन मिस कर दिया उसके बाद में आते हैं इंग्लिश वाला पहले डिस्कस कर लेते हैं इंग्लिश में जैसे आपके एरर वाले आए थे ओके okay, जिसमें एरर इन द सेंस पांच आपको सेंटेंस दिए थे ए बी सी डी ई e, उनमें से कौन सा सही है इस तरह से था इंग्लिश में उसके बाद में आपका क्या था जो पैसे था पैसेज था ना काफ़ी इजी था काफ़ी उसमें ऐसा कुछ कॉम्प्रहेंशन जो आपका आया था एक पर्सन था पर्सन के आ, में बारे में दिया हुआ था कि वो पार्टिसिपेट करना चाहता था बट उसके पास पेयर ऑफ शूज नहीं थे उसकी फैमिली के पास बहुत कम आ, इतनी इनकम होती थी कि वो बस खाने के लिए चीज़ें ले सकें इस तरह से बहुत ईजी पैसेज था एक स्टोरी बेस्ड पैसेज था ये वाला था और वर्ड जो इसमें पूछे गए थे वो भी बहुत ईजी पूछे गए थे मुझे अभी वर्ड्स याद तो नहीं आ रहे हैं पर दोनों वर्ड काफ़ी ईजी थे और सेम मीनिंग पूछा था दोनों का उसके बाद में एक आपका फिल इन द ब्लैंक्स था शायद

सो so, uh, कोई बात नहीं पर मैं बता देती हूँ इस तरह से क्वेश्चन से इजी टाइप था एक जैसे ये मैंने लिख रखा है आपका एक आया था बी ई एफ सी ए डी ये मैंने बना के आई हूं ये था उसका इसको क्या बोल uh, जंबल था आपका ठीक है लास्ट में ये वाला छः क्वेश्चन आए थे शायद इसमें तो ओवरऑल ऐसा इंग्लिश का लेवल रहा था तो इंग्लिश आपके लिए डुएबल थी और जो बच्चा काफी अच्छा है इंग्लिश में उसके लिए काफी इजी थी ठीक है क्योंकि वर्ड्स भी जो रॉन्ग नंबर वगैरह ढूंढने थे एक एक जो सिंपल चीज है जो आपको इसमें पूरी इंग्लिश में अच्छे से करने वाला था वो ये वाला पार्ट था जिसमें आपको सारे पार्ट में से सारे सेंटेंसेस में एक सेंटेंस करेक्ट वन ढूंढना था ये वाला तो इंग्लिश में वैसे मैंने थर्टी आउट ऑफ थर्टी किए हैं अटैम्प ओके अब बात करते हैं मैथ्स की सो इन मैथ्स अगर मैं बात करती हूँ मुझे थोड़ा सा इस बार इट मे बी इट बिकॉज ऑफ माई प्रैक्टिस जो रही है लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से जैसे मैंने कहा स्मार्ट किडा के मैंने दो तीन मौकी लगाए थे तो अब उसकी वजह से हो सकता है लेकिन मैथ्स में आई अटेम्प्ट ओवरऑल 26 क्वेश्चंस जिसमें से जो एप्रोक्सीमेशन uh, एप्रोक्सीमेशन uh, नहीं बोल सकते नंबर सीरीज टाइप आए थे वो मतलब इजी टाइप थे मतलब इजी करने में थे बट वो आपकी बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव साइड था मतलब जैसा होता है ना हमेशा नहीं आते कैलकुलेटिव साइड था आपको कैलकुलेशन में आपके टाइम लग रहा था जो डीआईटी थी, आई थी उसमें ए बी सी डी का ऐसा दिया हुआ था वन टू थ्री ऐसे दिया हुआ था उनका डाटा दिया हुआ था डाटा डूटा निकालना था डायरेक्ट क्वेश्चंस करने थे उसके बाद में मिसिंग आई थी मिसिंग में से एक मैंने मिस की छोड़ दी मैंने मुझसे नहीं बनी बाकी सारी मैंने कर ली थी और उसके बाद में बस यही सब किया एथमेटिक के कुछ क्वेश्चंस किए मैंने एज वाला क्वेश्चन किया मिक्सचर वाला मैंने क्वेश्चन किया पार्टनरशिप वाला मैंने क्वेश्चन किया है और उसके अलावा एक क्वेश्चन कौन सा आया था इंटरेस्ट वाला आया था सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन आया था सिंपल कंपाउंड वाला ये वाला था। जिस था, एक पे देते हैं कुछ दे नहीं था लेकिन ऐसा होता है वो इक्वल तो अमाउंट पूछा था पी का और जो सेकंड था वो पी प्लस थर्टी फाइव हंड्रेड लगा रहा था ऐसे था उसमें पी पूछा गया था क्या हो सकता है ये वाला क्वेश्चन था तो मैथरऑल आईम्पट ट्वेंटी सिक्स तो आप बोल सकते हो आई ओवरऑल आई नो चांसेस बहुत कम है दस परसेंट चांस है क्योंकि वैकेंसीज हैं जो आम... थ्री वैकेंसीज हैं और बट ठीक है हम मैंने दिया थोड़ा एक्सपीरियंस भी रहा और ऑफ कोर्स रिव्यू के लिए भी मैंने दिया ऐसा भी आप बोल सकते हो सो दिस इज ओवरऑल अबाउट द एग्जाम आप प्लीज अपना शेयर कीजिएगा आपका क्या स्कोर रहा एंड अपनी शिफ्ट भी बताइएगा आपने कितने अटैम्प्ट किए मतलब कितने मार्क्स का आप अटैम्प्ट करके आए हो कितने क्वेश्चन आपका लेवल कैसा रहा कि शिफ्ट में हार्ड या इजी क्योंकि मैं कुछ भी अभी नहीं देख पाई हूँ सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो एंड थैंक यू सो मच गाइस टाटा टेक केयर ऑल द बेस्ट